जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 27 और 28। कठोर हृदय अंत में बुरे दिन देखेगा। जो जोखिम से प्यार करता है वह उसमें नष्ट हो जाएगा। कपटी हृदय अपने कार्यों में असफल होगा और दुष्ट हृदय पाप के जाल में फंसेगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय को कठोर नहीं बनाना, क्योंकि जब हम अपने हृदय को कठोर बनाते हैं उसके शब्द को अपने जीवन में मांस बनने हम देते ही नहीं। जिस प्रकार एक कठोर हृदय पाप की ओर हमें लेके जाता है और पाप के जाल में हमें फंसा देता है और हम उस प्रकार फंस जाते हैं मेरे भाई और बहनों कि उससे निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए आज का वचन कहता है कि अपने हृदय को कठोर ना बनाओ। तो आज मेरे भाई और बहनों हम देखेंगे क्या हम अपने हृदय को उसके शब्दों की ओर कठोर बनाए हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग से मिले मेरे भाई और बहनों जो वचन को जो उन्हें सुनना है वो ही सुनेंगे, जो उन्हें नहीं सुनना है उसकी ओर अपने हृदय को कठोर बना देते हैं और फिर कहते हैं नहीं, परमेश्वर हमारे राज्य हमारे जीवन में कार्य कर रहा ही नहीं। किस प्रकार परमेश्वर कार्य करेगा, क्योंकि तुम्हें सुनना है जो तुम्हें सिर्फ सुनना है और बाकी चीजों को तुम कठोरता में लेते हो। आज मेरे भाई और बहन हम अपने हर गलतियों के लिए माफी मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने हृदय को पूर्ण रूप से नम्र बनाओ। जिस प्रकार हमने कल पढ़ा था कि एक नम्र हृदय और एक नम्रता का जीवन हर एक चीज सफलता की ओर लेके जाएगा, उसी प्रकार आज का वचन हमसे कह रहा है कि अपने हृदय को पूर्ण रूप से कठोर ना बनाओ, क्योंकि अगर हम अपने हृदय को कठोर बनाते हैं उस पाप के जाल में हम फंस जाते हैं। तो इस समय मेरे भाई और बहनों अपने आंखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे पवित्र लहू से हमारे हृदय को धो। हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर जो भी कमजोरी है, दुख है, तकलीफ है, कठोरता है, हर एक चीज को आपके सामने लाते हैं। इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि जहां तेरी उपस्थिति है वहां छुटकारा है, तो हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर वो उपस्थिति को उतार, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हम तेरे पवित्र आत्मा का घर है। तो परमेश्वर इस घर में तू निवास हो। हमारे हृदय से वो कठोर था जो परमेश्वर पाप की ओर लेके जाती है और जाल में फंसाती है, उसको चीज को हर एक चीज को आपके सामने लाते हैं समय। और हम प्रार्थना करते तेरे लहू से हर एक चीज को धो, शुद्ध कर और एक नया बना। और यही प्रार्थना इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमेन। जय श्री।